क्लास 10 सब्जेक्ट में टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हु फॉर्मड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल हु साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1, 0, 3। आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ दैट ट्रायंगल विद द गिवन एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब उसके बाद हमारे पास एक बड़ी ट्रायंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है 0, -1, बी है 2, 1, सी है 0, 3। ये हमारे पास गिवन ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन बताता है क्या इन ए का बी का सी का ए का मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट एफ है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। मिड पॉइंट निकाल के जो ये ट्रायंगल बनेगी जो बाय जॉइनिंग बाय फॉर्म बाय मिड पॉइंट ये वाली ट्रायंगल इसका एरिया ये बता, इसका एरिया भी बता डी ई एफ का, और उसके बाद रेशो निकाल लो बिटवीन दीज टू एरियाज ऑफ द ट्रायंगल दैट इज जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, उनका रेशो भी बता उनका रेशो क्या है। अब हम लिखेंगे यहाँ लेट गिवन ट्रायंगल जो है लेट बड़ी ट्रायंगल ए ए क्या है 0, -1, बी जो है 2, 1 एंड सी जो है 0, 3 आर थ्री वर्टिसेस वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब हम पहले एरिया निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वन जो आएगा 0 आएगा, y1, -1, एक्स टू जो रखेंगे हम 2, y2 रखेंगे 1, एक्स थ्री जो है वो आएगा 0, y3 आएगा 3। ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल ABC फार्मूला आपको पता है 1/2, शाबाश, x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2 ब्रैकेट बंद लॉन्ग ब्रैकेट बंद। ये आपके पास है। अब यहाँ पर हम वैल्यू देंगे। ठीक है, x1 y1 का 1/2, x1 का वैल्यू क्या है, x1 है 0 इंटू y2 है 1 -y3 -3 प्लस x2 है 2, अंदर क्या वैल्यू है, शाबाश, y3 है 3 -y1 है 1 हो गया +1 प्लस x3 क्या है 0, y1 है शाबाश -1, y2 है -1। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब जिसके साथ 0 होगा इंटू में वो तो 0 बनेगा। यहाँ 3 -3 -2 +1 हो गया -2 0 0, तो ये आएगा 0। अब प्लस ये ताकि 4 2 8, शाबाश, प्लस ये भी 0 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 8/2 = 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसका इस ट्रायंगल का एरिया 4। अब हमारे पास जो बीच वाली ट्रायंगल है डी ई एफ का, हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई पता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्योंकि डी मिड पॉइंट है ना, सिंस डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का जो स्पेशल केस है, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन इन द सेम रेशो 1, यहाँ डी मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पहले निकालेंगे हम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बाई यूजिंग स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला इज इक्वल किस तरह, शाबाश, x1 प्लस x2/2 हो गया 2 + 0 / 2 हो गया 2 1 2। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस हो गया 0, वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज इक्वल टू 1, 0। इसी तरह आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, शाबाश, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ देखो x1 + x2/2 0 + 0/2 हो गया 0। ठीक है, कामा,
यहाँ थ्री थ्री प्लस इंटू माइनस वन वो त्रेन वसन जो गो जो बटा जो गोस आख ये कोऑर्डिनेट्स आप ई हो गए बाय यूजिंग स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला। आपको याद है वो कि मिड पॉइंट क्या के वक्त क्या होती है फार्मूला उसके लिए मिड पॉइंट क्या होता है। जब हम मिड पॉइंट होता है वो पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू शाबाश वाई वन प्लस वाई टू बाई टू ये फार्मूला होती है उस वक्त जब वो पॉइंट मिड पॉइंट होता है उस लाइन सेगमेंट का। अब एफ कोऑर्डिनेट्स शाबाश ऑफ एफ जो है क्या होंगे शाबाश टू कॉमा ज़ीरो शाबाश टू कॉमा ज़ीरो टू हो गया वन थ्री कम थ्री प्लस वन हो गया फोर्थ हो गया टू वन कॉमा टू यानी एफ जो आया वन कॉमा टू आया और ई आया ज़ीरो कॉमा वन और ये आया वन कॉमा डी आया वन कॉमा ज़ीरो। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू फार्मूला वही है वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स टू एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू ब्रैकेट बंद। ठीक है अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक्स वन क्या रखेंगे वाई वन क्या रखेंगे एक्स टू क्या रखेंगे वाई टू क्या रखेंगे एक्स थ्री और वाई थ्री। तो ये है वो यहाँ हमें यहाँ मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्स वन रखेंगे वन वाई वन हो गया ज़ीरो एक्स टू हो गया ज़ीरो वाई टू हो गया वन एक्स टू हो गया वन वाई टू हो गया टू ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं डी ई एफ के। ठीक है नाउ अप्लाइंग सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वन बाई टू एक्स वन एक्स वन एक्स वन क्या है वन इंटू वाई टू शाबाश वाई टू है वन माइनस वाई थ्री है वाई थ्री क्या है शाबाश वाई थ्री है टू प्लस एक्स टू है ज़ीरो इंटू वाई थ्री है टू माइनस वाई वन कितना है वाई वन है ज़ीरो। ठीक है प्लस एक्स थ्री इज़ वन एक्स थ्री इज़ वन वाई वन है ज़ीरो माइनस वाई टू है वन। ठीक है ये गो वन बाई टू शाबाश ये गो माइनस वन प्लस टू ज़ीरो ज़ीरो ये कितना आएगा ये गो माइनस वन इज इक्वल टू ये हो गया माइनस टू बटा टू इज इक्वल टू माइनस वन। वो इसका एरिया जो आया माइनस वन यहाँ पर लिखेंगे एरिया शाबाश एरिया कांट बी नेगेटिव। ठीक है देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू वन स्क्वायर यूनिट। नाउ रेशियो गो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर वन बटा फोर यानी वन इज टू फोर ये इसका क्वेश्चन। ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थ्री।